जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में दिल से स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार और दुलार देने के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त विश्व और भारत का सबसे बड़ा ज्योतिष का चैनल डॉक्टर ओम चो। तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया इतना प्यार और दुलार देने के लिए, इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो दोस्तों कन्या राशि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? आप किसी लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचकर वापस धकेल दिए जाते हैं या वापस सफल नहीं हो पाते। आपको प्यार में धोखा मिलता है, शादी की बात नहीं बनती, रोज़गार की समस्याएं हैं, उन्नति नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है और घर वाले नहीं मानते, घर पारिवारिक विवाद है, पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तमाम परेशानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए पहली और मुख्य बात है, हम लोगों की बातों में आकर बात को पूरी तरह नहीं समझकर मिसकम्युनिकेशन, संचार की कमी, विचारों का आदान प्रदान जो होता है, संवाद जो है उसकी कमी से होता है। पहली और मुख्य बात जो सामने आती है ऐसा इसलिए होता है, प्रेम प्रसंग में जब व्यक्ति को किसी से प्रेम या प्रसंग होता है तो उसकी आंखें जो होती है वो देख नहीं पाती जो चीज़ उसे देखना चाहिए, क्योंकि जिसके प्रति आपकी पूर्ण आस्था और श्रद्धा होती है ना उसकी कमियां आप नहीं देखते हैं। केवल आस्था और विश्वास ईश्वर के प्रति रखना चाहिए, पूर्ण आस्था और विश्वास किसी इंसान के प्रति रखना थोड़ा सा संदेह वाचक है। अगर कोई रियल है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी जाने अनजाने में यदि उसकी जो भी गलतियां हैं उसे हमें देखना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए तकलीफदेह विषय है, क्योंकि बाद में उस पश्चाताप के अलावा हमें कुछ नहीं होगा, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद कोई मतलब नहीं। दूसरी परेशानी है, हम हमारी कमियों को छुपाते हैं, हम जो परेशानी उसके उपाय की ओर कम, उसके समाधान की ओर कम हम जाते हैं और उसके दर्द को कम करना चाहते हैं, दर्द को कम नहीं हमें उसके उपाय की ओर दौड़ना चाहिए तो बहुत फायदा होगा। अपने विचारों को हमेशा खुला रखें, ओपन रखें, संकीर्ण मानसिकता हमेशा जीवन और इस जीवन को जीने में कई सारी परेशानियां बाधा खड़ी करती है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पहली बात ईश्वर पर पूर्ण यकीन करना है, दूसरी बात समाधान करना है जो भी परेशानी उसका, तीसरी बात अपने विचारों को पूर्ण खुला रखें, पूरे विचारों को वैचारिक रूप से दिमाग को खुला रखें, पांचवी चीज़ हमेशा मुस्कुराते रहें चेहरे पर, आप हमेशा खुश रहें, आनंद रहें, कभी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।